और रात 12 बजे मेरी बेटी बहुत जबन बुखार हो गया तो मैं एक अद्धी गोली दी तो मैं ठीक हो जाएगा सर माड़ा मोटा बुखार हो गया तो बिल्कुल ठीक नहीं हो गई। सवेरा होया सवेरे ही मेरी बेटी बहुत ज़्यादा तप रही थी उल्टियाँ पानी को चल रही थी कुछ खा भी नहीं पानी तक नहीं सी पी रही वो इन्नी बुरी हालत थी तुम पता नहीं बेटी देख सकती है। तो फिर मैं पहले मैं डॉक्टर को गई तो दवाई दी और उन्हें फिर उल्टी करके वही कर दी तो कोई फर्क ना पाया। फिर मैं पास्टर जी ने मैसेज पाया ग्रुप के पास्टर जी ने प्रार्थना की थी मैं सिस्टर का धन्यवाद करती हाँ इन्होंने भी मैं ग्रुप से ऐड कर ग्रुप भेज के हौसला दिता कि सिस्टर कोई गल नहीं मैं प्रार्थना कर रही हाँ। तो जिन्होंने ग्रुप देखा है उन्होंने भी दुआ की मैं उन्होंने भी धन्यवाद करती हाँ कि मेरी बेटी ने फिर प्रार्थना की मेरी की मेरी बेटी बेटी ने भी किया बेटा तू भी कोई गल नहीं तारीफ कर परमेश्वर की तो उन्हें भी तारीफ की सिस्टर ने तो कभी हिम्मत नहीं सी पैली है कि प्रार्थना करने की। तो फिर मैं डॉक्टर को गई तो फिर उन्होंने डॉक्टर ने चेक किया डॉक्टर कहता 104 बुखार है तो हम तुम आप देख सकते हो कि आप भी बड़े हाँ अपन 100 बुखार हो जाएगा तो आप हिल जाओगे तो मेरी बेटी 104 बुखार तो फिर भी परमेश्वर ने इन्नी हिम्मत दी कि वह अपने आप उठ के उल्टी करने चाहती सी तो फिर उन्होंने चक्कर भी अपने बहुत ज़्यादा हालत से खराब तो फिर परमेश्वर ने सारी दुआ सुनिया जिन्हें जिन्होंने दुआ की धन्यवाद करती हूँ। और 2 बजे मेरी बेटी बिल्कुल चंगी हो गई कुछ फल फ्रूट भी खाए उन्हें पानी भी पीता ओ आर एस भी पीता तो शाम तक बिल्कुल मेरी बेटी ठीक हो गई। मैं खुदा का धन्यवाद करती हाँ कि परमेश्वर ने मेरी बेटी चंगी की। और मैं पिछले संडे यही सोच रही थी बेटी कि खुदा मैं भी कोई अगले संडे गवाही दे सका तो खुदा ने मेरी गवाही देने का मौका दिता मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर की तारीफ करती हूँ खुदा ने मेरी बच्ची चंगाई दी धन्यवाद करी सारे मेरी जैसे।